नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। एक वक्त था जब माफिया अतीक अहमद की तूती पूरे प्रदेश में बोलती थी और अतीक अहमद जैसे चाहता था वैसे वो चलता था, वैसे रहता था, जब जिसको चाहता था मार देता था, जब जिसको चाहता था उससे रंगदारी ले लेता था। लेकिन 2017 में योगी सरकार आने के बाद माफिया अतीक अहमद की अकड़ ढीली पड़ी है। जी हाँ, लगातार उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और पहली बार उसे किसी मामले में सजा दी गई और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि 17 साल पहले उमेश पाल अपहरण कांड मामले में उसे दोषी करार दिया गया और प्रयागराज की MP MLA कोर्ट ने उसे फिर उम्र कैद की सजा सुनाई। ऐसे में अतीक अहमद को साबरमती जेल से उस वक्त प्रयागराज लाया गया था और उसी के बाद उसे फिर साबरमती जेल भेज दिया गया था। हालांकि अब 16 दिन के भीतर एक बार फिर से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है और एक बार फिर माफिया के चेहरे पर सिकन दिख रही है और डर साफ साफ नजर आ रहा है। इस बार माफिया अतीक अहमद ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाई है और उसने कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश में पूरी सुरक्षा से संतुष्ट हूं और मैं चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ मेरे और मेरे परिवार के साथ न्याय करें। आपको बता दें कि अतीक अहमद ने अपने बयान में कहा है, मैं सुरक्षा को लेकर संतुष्ट हूं, कोर्ट से जो फैसला होगा वह मानेंगे, योगी सरकार हमारे साथ न्याय करे, बच्चों और महिलाओं का उत्पीड़न ना करें। अतीक अहमद ने मीडिया का भी धन्यवाद किया। वहीं इससे पहले अतीक ने पिछले महीने सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उसने कहा था उसे और उसके परिवार को प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में बतौर आरोपी झूठा फंसाया गया और उत्तर प्रदेश पुलिस उसे फर्जी मुकदमे में मार सकती है। ट्रांजिट अवधि के दौरान प्लान बनाकर उसका खात्मा किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक महीने पहले जो अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में डर रहा था, अब वो CM योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर न्याय की भीख मांग रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूबे की योगी सरकार किस तरीके से काम कर रही है। वहीं आपको बता दें कि 2017 में योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि सूबे में गुंडे, माफियाओं, अपराधियों की कोई जगह नहीं है और जो भी सिर उठाने की कोशिश करेगा उसे कुचल दिया जाएगा। फिलहाल अब देखना होगा कि माफिया अतीक अहमद, जिसके ऊपर 101 मुकदमे थे जिसमें से एक मुकदमे में फैसला आया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, उसके बाद अब 100 मुकदमों में उसके साथ क्या कुछ होता है। फिलहाल तो माफिया डरा और सहमा हुआ है और साबरमती से प्रयागराज आते हुए उसे डर सता रहा है और वो लगातार कह रहा है कि इनकी नीयत में खोट है और ये मेरी हत्या कर सकते हैं। और इसी बीच वो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगा रहा है। फिलहाल अतीक अहमद को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरा कंसेशन कराओ, यूपी यूपी